को अलीशा किचन में आज हम बना रहे हैं बहुत स्पाइसी मजेदार सी टिक्का बिरयानी। बहुत आराम से बहुत अच्छी सी बनेगी। ये देखिए मैंने ये चिकन लिया, ये तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए इसको मैंने कट लगा लिया है, इन सबको जो भी पीसेज है बड़े बड़े थोड़े पीस लिए मैंने, इन सबको मैंने जैसे कट लगा लिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और ये है कुटी हुई लाल मिर्ची, ये डाला मैंने 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें, ये घर की पीसी हुई है कुटी हुई लाल मिर्ची। अच्छा ये देखिए ये है मेरे पास टिक्का मसाला, ये 2 चम्मच, तो इससे इसका फ्लेवर जबरदस्त किस्म का हो जाएगा। ये भी डालेंगे साथ में 2 चम्मच घर का ये पिसा हुआ गरम मसाला, सारे मसाले से मिक्स है, ये भी डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच। नमक डालेंगे इसमें 1 चमची नमक ही डालेंगे भर के, काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर, दही डालेंगे थोड़ी सी दही लगा के इसको। ये दही तकरीबन हो गई मेरे पास, होगी 2-3 चम्मच के दही के, इसको सबको मिक्स करेंगे। और अभी इसमें बाकी डालना है, अगर लीमू है तो लीमू का रस डालें, 3 लीमू का रस, अगर लीमू नहीं है तो फिर इसमें सिरका डालें। अभी मैं इसमें सिरके के भी 4 चम्मच डालती हूँ, डालेंगे इसमें कुटा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, और ये देखिए ये है 3 चम्मच सिरके के। अब इसको लगा के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, हाथ से मिक्स कर लें चाहे तो ग्लव्स पहन लें फिर उससे मिक्स कर लें। इसको मिक्स करेंगे हाथ से मिक्स कर लेते हैं, इसको मिक्स करके फिर इसको मैं रख दूंगी आधा घंटे के लिए, आधा घंटा रखें 1 घंटा रखें, फिर मैं आधे घंटे के लिए रखूंगी ताकि अच्छा से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए सारा मसाला। फिर जब तक मैं बिरयानी के मसालों की तैयारी कर लेती हूँ, इसको लगा के रख देती हूँ आधा घंटा। अब उसकी मैंने उसको मसाला लगा के रख दिया टिक्के के पीसों को, अब बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं। अब बिरयानी के लिए चाहिए देखें 1 किलो चावल है मेरे पास, कर्नल बासमती चावल है मेरे पास, आप चाहें तो पहले सेला ले लें तो उसको आधा घंटा भिगो के रख दें, मेरे लिए कर्नल बासमती इसमें बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखें ये 3-4 चम्मच होंगे इसके लहसुन अदरक के पेस्ट, ये थोड़ी सी दही है इसके अंदर मसाले में डालेंगे, और ये है 3 बड़े साइज के टमाटर मैंने काट लिए हैं, ये धनिया पुदीना, ये 5 अदद हरी मिर्च है, इनको भी थोड़ा पीस के फिर डालेंगे। और ये जो इसके अंदर मसाले डालेंगे वो ये देख लें, मैं कितने कितने डालूंगी फिर वो मैं इसमें डालती जाऊंगी आपको मैं बताती जाऊंगी। ये देखें आलू बुखारे हैं, सफेद जीरा, गर्म मसाला हर किस्म का, थोड़ा सा कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और ये लाल मिर्च, और प्याज जो है वो मैंने ना चूल्हे पर रख दिए ब्राउन होने के लिए, 3 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, अब मैं दिखाती हूँ फिर क्या करना है। ये देखें ये जो मैंने मसाला लगा के रखा ना इसको आधा घंटा हो गया, इसमें मैंने डालती है इसको देखती में, और ये जो उसमें थोड़ा सा ये लगा हुआ है ना मसाला, ये भी देखें पानी डाल के इसको निकाल लेंगे ऐसे हल्का सा। अब इसको क्या करेंगे उसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल देंगे ताकि नीचे नहीं लगे, छोटे 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको ढक्कन देके हम 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं हल्की आग पे दम पे ना कोई गल जाए, फिर मैं बाद में बताऊंगी बाकी क्या करेंगे। सही देखिए इसमें डाल के 2 चम्मच में ऑयल के भी डालो इसमें, फिर इसको मैं ढक्कन दे देती हूँ, इसको ढक्कन देके रख देंगे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस ऑयल में मैंने प्याज मैंने आपको बताया वो मैंने इसमें ब्राउन कर लिया है, अब इसमें जो गर्म मसाला है ये देखें थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें ऑयल में गर्म गर्म हो रहा है अभी देखें, ये थोड़े से गरम मसाले कड़कड़ा लेंगे, थोड़े जो हैं वो गरम मसाले देखें कितने डाले मैंने, 2 मैंने डाली है, एक मैंने बड़ी इलायची डाली है, ये 2 हो गई, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 इसके उसकी दालचीनी की, और ये 1 चम्मच भर के सफेद जीरा, ये थोड़ा सा ये हो जाए फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। देखिए हो गया खुशबू आ रही है, डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट,
ये मुख्य स्टाइल से बनती है टिक्का बिरयानी, हर किसी का अपना स्टाइल, मेरा ये स्टाइल है, मैं इसे बनाती हूँ, लेकिन बहुत मजेदार बनती है इससे भी। अब ये लहसुन अदरक हो जाए, लहसुन अदरक हो जाए फिर मैं इसमें ये डालती हूँ मसाले। देखिए लहसुन अदरक हो गया, अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। एक चम्मच है लाल मिर्च, एक चम्मच है सूखा धनिया, आधी चम्मच है हल्दी, और एक चम्मच डालेंगे नमक, कुछ हम चावलों में भी डालेंगे, टिक्के में भी लगा हुआ है, सब किताब से डालेंगे, ज़्यादा ना डल जाए, कम होगा तो डल जाएगा, बाकी ज़्यादा होगा तो मसला हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे सारे टमाटर, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें जो छोटे हैं दही के, चार चम्मच में दही के डाल देंगे, समझे आधी कैली हो जाएगी दही की, छोटी कैली ना मेरी वाली, चार चम्मच दही के वो भी डाल देंगे, ये थोड़ा हो जाए फिर इसमें दही डालते हैं। मसाला अच्छा सा सॉफ्ट हो रहा है, अभी इसमें साथ में आधी कैली दही है मेरी, ये आधी कैली मैंने दही की डाल दी, मैच की डाली है मैंने, घर की जमाई हुई दही है के मैंने डाली है, ये हो गई इसमें, जब तक ये भी हो रही साथ में, ये आलू बुखारे और हरी मिर्च है, हरी मिर्च मैंने काट ली, ये भी डाल दिए इसमें, सात आलू बुखारे हैं और चार हरी मिर्च मैंने डाली है, अब इसको बिल्कुल सॉफ्ट करते हैं, फिर इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने ब्राउन करके प्याज रखे हुए वो भी डालते हैं। जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे ये मैंने इसको थोड़ा पीस दिया ताकि जल्दी से काम हो जाए, ब्राउन प्याज को मैंने इसमें डाल के इसको देखा ऐसे करके मैंने पीस दिया, इसका पेस्ट डाल दिया मैंने, इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, कितना अच्छा मसाला ना, चावल में साबुत साबुत आटा अच्छा नहीं लगता है, सारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बिरयानी में हमेशा ग्रेवी अच्छी होगी ना, ज़्यादा होगी तो फिर बिरयानी टेस्टी बनेगी, नहीं तो वो जो सूखी सूखी सी बिरयानी होती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें बस वो एक प्याज डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, बस एक चावल कहीं जा रहा है, एक चावल कहीं जा रहा है, मुझे ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी स्पाइसी हो, थोड़े मसाले अच्छे डले हुए हो, कितनी अच्छी मसाले ग्रेवी बन रही है हमारी। जब तक वहाँ दूसरे चूल्हे पे मेरे टिक्की वाले पीस भी हो रहे हैं, उनको 15 मिनट होने वाले हैं, उनको भी चेक करते हैं, ये देखिए चिकन कितना गल चुका है, ये देखिए टिक्का बन रहा है ना, इसके ये सारा हमें मसाला जो बिल्कुल सूखा देना है, हमें इसके साइज साइड जो है ना इनकी चेंज कर रही हूँ, 15 मिनट हो गए इनको, इनको मसाला लगा के रखा था तो ये देखिए कितने अच्छे इनकी खुशबू जबरदस्त आ रही है, ये गल भी चुके हैं, अभी हमें फिर ऐसा ख्याल करना कि बोटियाँ टूटे नहीं, इनके वो साइड चेंज कर देंगे, सिर्फ जब इनके साइड चेंज कर देंगे ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरीके से पक जाए, 5 मिनट इसको और लगेंगे, फिर इसमें हम कोयले का धुआं देंगे ताकि बिल्कुल चिक्की वाला फ्लेवर आए। देखिए मैंने सारे पीस मेरे जो है दम वाले हो गए, इसमें मैंने मसाले में रख दिया इसको, अभी जो टिक्कों का मसाला नीचे की तरफ जो बचा था ये भी इसके अंदर डाल देंगे, इससे इसका जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा, इसको जलाएंगे नहीं इसमें डाल देंगे, धनिया पुदीना डाल दिया और जो गरम मसाला था पिसा हुआ वो भी मैंने डाल दिया, अब इसमें मैंने एक कोयला रखा, ये देखिए ऐसे करके देंगे, भले ये 5 मिनट वैसे दम पे रहेगा, इसके धुएं के अंदर ऐसे बिल्कुल टिक्की खुशबू हो जाएगी, और जब तक मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है मैं नमक और सारे गरम मसाले डालती हूँ, अब चावल उबाल लेती हूँ मैं, चावल मैंने बॉईल किए, पानी निकाल दिया मैंने इनका, अब ये देखिए मैंने इसमें सारा जो भी टिक्कों का मसाला मैंने बनाया हुआ था मसाले के साथ ही मैंने इसमें रख दिया, अभी मैंने थोड़ा सा ये जरदा रंग, आपको अच्छा लगे डालें, आपकी मर्ज़ी है नहीं डालें तो नहीं डालें, लेकिन
इससे थोड़ा अच्छा सा कलर आएगा इसका, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छिड़क देंगे बस। मेरे को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा कलर अच्छा आता है, इसे डाल के अब इसको हम दम कर देंगे। अब इसको हम 15 मिनट का दम दे देते हैं। मज़ेदार स्पाइसी टिक्का बिरयानी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिए। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।